वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल एनिमल फाइबर। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम टेक्सटाइल फाइबर, वो फाइबर जो हमें नेचुरल एनिमल फाइबर से, एनिमल से हमें जो है मिलता है, उसको हम जो है नेचुरल एनिमल फाइबर कहते हैं। फाइबर क्लासिफिकेशन में हम फाइबर को क्लासिफाई करते हैं, तो नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर। उस नेचुरल फाइबर में जो हमारे एनिमल फाइबर है, उस एनिमल फाइबर को हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फाइबर हैं जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं और उनकी उनकी क्या जो है प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा हम इस पे भी फोकस करेंगे। और उस किस एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको हम फिगर के माध्यम से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फाइबर हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर आर टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल। दे आर बेसिकली हेयर आर फर आर स्किन आर सिक्रेशन ऑफ एनिमल। दीज फाइबर आर देन ओवन आर नीटेड आर फेल्टेड टू फ्रॉम ब्यूटिफुल एनिमल फैब्रिक एंड अल्टीमेटली मेड इन टू सॉफ्ट एंड वार्म जैकेट, पॉन्च, ब्लेजर, रैप्स, शॉल, कोट्स एंड अदर क्लॉथिंग एंड एसेसरीज। एनिमल फाइबर जो वो टेक्सटाइल फाइबर जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। और इन एनिमल फाइबर से हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक जो है हम फार्म करते हैं, बनाते हैं। कोट्स एंड अदर क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, कारपेट, रग्स एंड ब्लैंकेट आर मेड विथ रफर फाइबर। यानी जो ये जो हमारी ऊपर ये जो फैब्रिक हमारे फार्म हो रहे हैं ये फाइन वूल से फार्म होते हैं, और जो कोर्स वूल होते हैं, कोर्स वूल से जो है कारपेट, रग्स एंड ब्लैंकेट आर मेड विथ रफर फाइबर। यानी ये जो रफ फाइबर या जो कोर्स फाइबर है उनसे हम कारपेट, रग्स और ब्लैंकेट्स जो है फार्म करते हैं, बनाते हैं। द एनिमल फाइबर are of many kinds and are differentiated according to the animal it is taken from, their chemical structure, the way they are obtained and the fiber length, they are all made up of protein। कह रहे कि ये सभी फाइबर जो है प्रोटीन फाइबर है, इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनके फाइबर की लेंथ के अनुसार, इनकी फाइननेस के अनुसार, एनिमल के अनुसार, जो अलग अलग एनिमल से प्राप्त होते हैं उनके अनुसार हम फाइबर, इन एनिमल फाइबर को हम क्लासिफाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे एनिमल फाइबर हैं, अलग अलग हमारे ये शिफ है, ये हमारी जो है सिल्क फाइबर है, गोट है, ये हमारे फाइबर हैं जो हम इनसे एनिमल से जो है प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे एनिमल फाइबर है। नेचुरल फाइबर जो हमारे नेचुरल फाइबर है उनका हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे जिससे हम बेहतर अंडरस्टैंड करें कर सकें हम फाइबर को। तो यहाँ पे जो है एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर, हम नेचुरल फाइबर को दो कैटेगरी में जो है हम डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर, और दूसरी कैटेगरी हमारी है प्लांट फाइबर। नेचुरल फाइबर में हेयर फाइबर और सिक्रेशन एंड फाइबर, सिक्रेशन यानी जो सिल्क और बाइसस जो हमें मिलता है, ये सिक्रेशन से कीड़े के जो है लिक्विड द्रव जो है निकालता है और उससे जो है फाइबर फार्म होता है। और ये हेयर फाइबर है एल्पाका, अंगूरा, कैमल, कैश्मेरे उल, चिंगोरा, लॉम्बा, मोहेर, क्वीट, वेगना एंड याक, ये हमारे जो है हेयर फाइबर है। प्लांट फाइबर ये हमारी सीड्स फाइबर है, कॉटन, क्वायर, कपॉक, बास्ट फाइबर, बनाना, फ्लैक्स, लिनन, हेम, जूट, किनॉफ, रेमी, शुगर केन। लीफ फाइबर एबाका, पाइनएप्पल, रेफिला एंड सिसल, ये हमारे जो है प्लांट फाइबर है, जो जो हमें प्लांट से, पौधों से जो प्राप्त होते हैं ये हमारे वो फाइबर है, और ये वो फाइबर है जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे नेचुरल फाइबर का कैटेगराइजेशन हुआ। एनिमल बेस्ड फाइबर, जो हमारे एनिमल बेस्ड फाइबर है, फाइबर सोर्स एंड एट्रीब्यूट, यानी गुण, फाइबर का क्या गुण होगा, फाइबर यानी कौन सा फाइबर है, सोर्स यानी ये फाइबर कहाँ से मिलेगा, और एट्रीब्यूट और उस फाइबर का क्या गुण होगा, क्या नेचर होगा। एल्पाका, एल्पाका जो है एल्पाका एनिमल से मिलता है सोर्स, सॉफ्ट, वार्म्थ एंड लाइट वेट। अंगूरा उल, अंगूरा रैबिट से मिलता है, सॉफ्टनेस, ब्लेंड वेल विथ अदर फाइबर, यानी दूसरे फाइबर के साथ हम इसको मिक्स करते हैं। एजलॉन,
सोर्स जो है सिंथेटिक प्रोसेस प्रोसेस हम करते हैं, नेचुरल मेटल को हम प्रोसेस करके और प्राप्त करते हैं सॉफ्ट सिल्की हाइग्रोस्कोपिक आल्सो नोन एज एरालॉग, बाइसस पाइना नोबिलिस, वार्म्थ एंड लाइट वेट, कैमल हेयर हमारा अरबियन गुना को, साउथ अमेरिका कैमलिड एंड वेराइटीज, सॉफ्ट जो फाइबर का जो नेचर होगा एट्रीब्यूट सॉफ्टनेस एंड वार्म्थ, कैश्मेरे उल इंडियन कैश्मेरे गोट से प्राप्त होता है सॉफ्टनेस सॉफ्ट होता है, चिंगोरा जो है उल जो हमारा फाइबर है डॉग से प्राप्त होता है फ्लफी एंड लाइट वेट, ये हमारा जो है फाइबर की प्रॉपर्टी है। आगे हम और बढ़ते हैं, मोहेर उल मोहेर एंगोरा गोट से हमें मिलता है, डाई वेल यानी हम इसको आसानी से डाई कर सकते हैं, लाइट वेट एंड लाइट हल्का जो है फाइबर होता, क्वीट मस्कन ऑक्स सॉफ्टनेस सॉफ्ट होता है एंड वार्म, रैबिट रैबिट से एंड सॉफ्टनेस, सिल्क सिल्क वार्म सिल्क के कीड़े से हमें सिल्क प्राप्त होता है, स्मूथ फैब्रिक फिनिश विथ लाइट शाइन, वेकना वेकना जो है एनिमल से हमें प्राप्त होता है, जो फाइबर है हमारा एक्सपेंसिव लग्जरियस एंड सॉफ्ट, उल उल जो हमें शिप से प्राप्त होता है, वार्म्थ यानी जो गर्म होता है, यॉर्क वाइल्ड यॉर्क हेवी वार्म, लैम उल जो है शिप से प्राप्त होता है सॉफ्टनेस इलास्टिसिटी एंड वार्म्थ, लाम्बा लाम्बा एनिमल से प्राप्त होता है लाइट वेट एंड इंसुलेटिंग, ये हमारे फाइबर है, फाइबर के सोर्स और फाइबर का नेचर फाइबर एट्रीब्यूट यानी गुण फाइबर का गुण। तो इस तरीके से हमने जो है देखा जो है ये जो एनिमल फाइबर है, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से हम एनिमल फाइबर को जानेंगे कि वो कौन कौन से फाइबर हैं और वो कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें जो है ये फाइबर प्राप्त होता है। उल ऑफ लैम या सी पूल, दिस उल रिफर टू द हेयर ऑफ डोमेस्टिक सीप लैम्स, द हेयर ऑफ सीप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर, इट इज लॉन्ग थिन एंड कर्ली, मेरिनो उल मेक ए पार्टिकुलरली सॉफ्ट एंड वार्म फाइबर, ऑस्ट्रेलिया चाइना एंड न्यूजीलैंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द उल फाइबर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे जो है उल हमारे शिप है और इन शिप से जो है यहाँ पे फाइबर की शीयरिंग कटिंग हो रही है और इसको हम शीयरिंग करके फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, तो यानी उल फाइबर हमें शिप से प्राप्त होगा। एल्पाका ये हम जो है एल्पाका जो है एनिमल देख रहे हैं, ये एल्पाका से जो हम फाइबर की शीयरिंग यानी कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है एल्पाका उल जो है हमें प्राप्त होता है, दिस इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द उल ऑफ द एल्पाका, ए वेराइटी ऑफ कैमल नेटिव टू साउथ अमेरिका पेरू, इट इज अ उल इज इट्स उल इज सॉफ्ट एंड वेरी वार्म, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड सिल्क टू क्रिएट ब्यूटिफुली सॉफ्ट टेक्सटाइल, द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर इज ग्रेटली वैल्यूड फॉर इट्स सॉफ्टनेस एंड वार्म, फैब्रिक जो इससे जो हमारा फैब्रिक बनता है वो सॉफ्टनेस और वार्म के लिए जो उसकी जो वैल्यू यानी जो मेन जो उसकी कास्ट होती है वो इस सॉफ्टनेस और वार्म के कारण होती है, तो ये हम एल्पाका जो है एल्पाका एनिमल से हमें एल्पाका फाइबर प्राप्त होता है। अंगूरा अंगूरा इज द सॉफ्ट व्हाइट हेयर ऑफ अंगूरा रैबिट, इट इज यूज्ड टू मेक वेरी हाई क्वालिटी निट वियर, चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस फाइबर, एंगूरा उल हमें चाइना से जो है सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, ये हमारे अंगूरा रैबिट है इनके जो है फाइबर इनके हेयर से जो है हमें अंगूरा फाइबर प्राप्त होता है। एस्ट्राखान दिस रिफर टू फर फ्रॉम यंग काराकुल लैम्स फ्रॉम एस्ट्राखान रशिया, द उल इज वेरी सॉफ्ट लस्चरस एंड कर्ली, ये जो है हमारे लैम्स हैं इनसे जो है ये फाइबर जो प्राप्त होता है वेरी सॉफ्ट काफी सॉफ्ट होता है और लग्जरी एंड लस्चरस एंड कर्ली। वीवर दिस इज द एनिमल फाउंड मोस्टली इन अमेरिका एंड यूरोप,
फर ऑफ एनिमल इज वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की हैज ए गुड साइन। ये जो है ये विवर्स है, इनसे हम इन जो है फाइबर प्राप्त करते हैं, विवर्स फाइबर। कैमल, कैमल हेयर, द टू हम बैक्टेरियन कैमल ऑफ मंगोलिया गिव्स द शॉफेस्ट ऑफ द कैमल हेयर। चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान प्रोड्यूस द मोस्ट कैमल फाइबर इन द वर्ल्ड। द कलर ऑफ द फर वेरीज फ्रॉम लाइट टू टैन टू ए ब्राउनिश ब्लैक कलर एंड कम विथ ए फ्लैट सर्विस और विथ ए नैप। द क्वालिटी आल्सो वेरीज। ये कैमल फाइबर है, कैमल से हमें फाइबर मिला, फाइबर से हमने यार्न प्रोड्यूस किया और यार्न से हमने फैब्रिक जो है शॉल जो हमें प्रोड्यूस किया। तो ये हमारे कैमल है, कैमल से हम कैमल हेयर प्राप्त करते हैं। कैश्मीरे, दिस फाइबर इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ इंडियन कैश्मीरे गोट। इंडियन कैश्मीरे गोट से यानी भारतीय जो है कैश्मीरे गोट से जो हमें एक कैश्मीरे उल प्राप्त होता है, कैश्मीरे फाइबर प्राप्त होता है। इट इज फाउंड इन इंडिया, तिब्बत, ईरान, इराक, चाइना, पर्शिया, टर्किस्तान एंड मंगोलिया। द ओरिजिनल कलर ऑफ दिस सॉफ्ट एंड सिल्की फाइबर कैन बी व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे, बट दे आर देन डाइड इंटू डिफरेंट अपीलिंग कलर एंड ओवन एंड नीटेड इंटू शॉफेट मोस्ट एक्विशाइट फैब्रिक। दिस फाइबर कैश्मीरी उल फाइबर जो है कैश्मीरी गोट से जो हमें प्राप्त होती है। फॉक्स, यू गेट फॉक्स हेयर इन कलर रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू रेड, सिल्वर, सिल्वर ग्रे एंड व्हाइट। ये हमारे फॉक्स हैं, फॉक्स से जो है जो फाइबर मिलता है उसको हम फॉक्स फाइबर कहते हैं। गुना को, इट इज टेकन फ्रॉम एनिमल इन अर्जेंटीना, द रिजल्टेंट फैब्रिक इज वेरी सॉफ्ट एंड हैज ए नेचुरल हनी वीच कलर। ये हमारे जो है गुना को जो है एनिमल है इनसे हमें प्राप्त होता है। हेयर, जैक रैबिट हेयर हैज ए उली टेक्सचर एंड इट इज यूज फॉर फेल्टिंग। ये हमारे जो है जैक रैबिट है, इनसे हमें जो है जो उली टेक फाइबर जो हमें मिलता है वो हम जनरली फेल्टिंग फैब्रिक में हम इस्तेमाल करते हैं। याकुल, ये हमारे याक हैं, याकुल हमें कैसे मिलता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मेड ऑफ याकुल इज हाईली कॉम्पिटिटिव विथ कैश्मीरे इन टर्म ऑफ क्वालिटी, रिगार्डेड एज वन ऑफ द रिमार्केबल डोमेस्टिक एनिमल। ये हमारा जो याकुल है काफी जो है इसकी भी क्वालिटी जो है कैश्मीरे उल की तरह काफी जो है अच्छी होती है। एक चिंगोरा हेयर, एनी डॉग फाइबर विथ ए स्टेपल लॉन्गर देन 2 to 3 inches कैन बी यूज टू मेक यार्न। ऑल्दो लॉन्गर फाइबर आर इजियर टू स्पिन एंड मेक ऑफ मोर ड्यूरेबल गारमेंट, शॉर्टर फाइबर कैन बी कॉर्डेड विथ सिल्क आर उल टू बी मेड इंटू यार्न। ये हमारे चिंगोरा हेयर जो है डॉग से, चिंगोरा डॉग से प्राप्त होता है। इससे हम जो है यार्न फार्म करके और डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हम फार्म करते हैं। लांबा उल, लांबा उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम लांबा, ए डोमेस्टिकेटेड साउथ अमेरिकन कैमल वेराइटी ऑफ कैमल वेराइटी। इट इज वेरी सिमिलर टू एल्पाका उल। लांबा उल, लांबा फाइबर आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लेनोलिन फ्री एंड हाइपोलेरेजेनिक but not as fine as alpaca fiber. The color range from white to brown and black. ये हमारे जो है alpaca fiber, lamba fiber है। lamba fiber variety जो है एक जो है camel की variety है। ये जो है काफी generally जो है ये fiber जो है south america camel variety। ये हमारे fiber जो है लंबा उल काफी इंपॉर्टेंट फाइबर हो जाता है। मोहेर, दिस इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंगोरा गोट। मोहेर इज वेरी सॉफ्ट एंड लाइट वेट। साउथ अफ्रीका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोहेर फाइबर। इट्स स्मूथ, ग्लॉसी एंड वायरी एंड इज मच इन डिमांड फैब्रिक फॉर ड्रेस मेकिंग, हैट मेकिंग एंड द अपहोजरी पर्पज। मोहेर फाइबर
हमारी जो है अंगूरा गोट, नॉर्थ अमेरिकन अंगूरा गोट से जो है प्राप्त होता है। मस्करेट, मस्करेट इज द एनिमल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका विथ ए वेरी फाइन एंड थिक ब्लू ग्रे हेयर रिजेम्बलिंग दैट ऑफ वेवर्स। न्यूट्रिया, दिस इज वेरी सिल्की एंड सॉफ्ट फाइबर टेकन फ्रॉम एनिमल फाउंड इन साउथ अमेरिका। अपोसम, अपोसम इज एन एनिमल फाउंड इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। द फर इज लूज ग्रेइश एंड वाइट टिप्ड। ये हमारे जो है इस एनिमल से हमें प्राप्त होता है। व्हीट, दिस इज द अंडर वूल ऑफ डोमेस्टिकेटेड मस्क ऑक्स। इट इज टेकन व्हेन द फाइबर आर शेड नेचुरली ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ एनिमल फाइबर। इट इज लग्जरियस, स्ट्रॉन्गर एंड वार्मर देन मोस्ट अदर वूल। राकून, रकून इज फाउंड इन अमेरिका एंड इट हैज फर दैट इज ग्रेइश ब्राउन एंड ब्लैक। सिल्क, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर मेड फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ सिल्क वार्म एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर। देर आर मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क वार्म। द मलबरी लीफ ईटिंग सिल्क वार्म गिव्स द सॉफ्टनेस सिल्क फाइबर। वाइल्ड सिल्क वार्म फेड विथ अदर लीव्स लाइक ओक ट्री लीव्स गिव्स आउट सिल्क फाइबर विच आर रफर। ये हमारे सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर जो हमें प्राप्त होने की साइकिल है, सिल्क लाइफ साइकिल है, जहाँ कोकून जो फार्म होता है, कोकून के ऊपर हमारा सिल्क जो है फार्म होता है। सिल्क से जो है हम सिल्क फिलामेंट फाइबर प्राप्त करते हैं और डिफरेंट जो है फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं। विकुना वूल, विकुना इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ वूल। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वैरायटी ऑफ कैमल फाउंड इन पेरू एंड मेक द फाइनेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट फैब्रिक्स इन द वर्ल्ड। विसल, देर आर मेनी वैरायटीज ऑफ विसल। सम विसल्स हैव येलोइश ब्राउन फर, सम हैव वाइट फर। रिमाइन, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फर इंडस्ट्री। एवरेज डायमीटर ऑफ नेचुरल फाइबर, यहाँ पे हम इस टेबल के माध्यम से नेचुरल फाइबर जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया उनमें मैक्सिमम जो हमारे नेचुरल फाइबर है वो किस फाइबर के डायमीटर यानी क्या फाइबर की क्या फाइननेस होती है, किस रेंज की फाइननेस होती है फाइबर की, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे एनिमल फाइबर एंड डायमीटर माइक्रोमीटर में। ये जो हमारी डायमीटर है किसमें है, माइक्रोमीटर में। विकुना, विकुना 6 to 10 माइक्रोमीटर, एल्पाका 10 to 15, मस्क ऑस जिसको हम क्वीट फाइबर कहते हैं 11 to 13, मेरिनो शीप 12 to 20, एंगूरा रैबिट अंगूरा वूल 13 माइक्रोमीटर, कैश्मीरे गोट कैश्मीरे वूल 15 to 19, यॉर्क यॉर्क फाइबर 15 to 19 माइक्रोमीटर, कैमल हेयर 16 to 25, गुनाको 16 to 18, लाम्बा 20 to 30, चिला 21, अंगूरा गोट मोहेर 25 to 45, एल्पाका 27.7, लाम्बा 30 to 40। ये हमारे जो है फाइबर की रेंज, फाइबर फाइननेस की हमारी रेंज है जिसको हम अब माइक्रोमीटर में मेजर कर रहे हैं, जिसको हम माइक्रोन वैल्यू भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैं इस लेक्चर के माध्यम से समझता हूँ कि आप नेचुरल फाइबर, एनिमल नेचुरल फाइबर कौन कौन से नेचुरल फाइबर हैं, एनिमल नेचुरल फाइबर हैं जिसको हम उसका हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, यार्न से जो हम डिफरेंट टाइप के जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो हम फार्म करते हैं, फैब्रिक रग्स फैब्रिक कारपेट एंड डिफरेंट यूजेज में हम जो है प्रयोग करते हैं इन फाइबर का। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप नेचुरल फाइबर को बहुत इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। थैंक यू।